घर घरों दा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग लै इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। लिखे हक में और 25 लाख। नहीं भाई नहीं, ये की तरीका है, है? अकमर वही होगा जो हम कहेंगे। अपने अंदर चाहती माँ तेरा मन की खेदाए। लेकिन कब तक है? एक ना एक दिन तो सारी बात सामने आ ही जानी है। आजा आराम से, आराम से। मर गई, अभी नहीं मरेगी। आराम से। अरे हाय हाय बंद कर, अपनी तो हो गई है। तो इतनी तबीयत खराब थी तो घर पे बैठना था ना। तब खराब नहीं थी, अब तो नहीं बैठना जा रहा था। अच्छा अच्छा, आजा आराम से, चल आराम से। लाने लग गया था, तो होता है ना, ऐसा तो होता है। तबीयत सही नहीं, आ जा। शौक भी इतना है तुझे जाने का, आराम से बैठ जा तू। वैसे भी एक घंटे बाद वापस ही आना था। बैठ बैठ आराम से। तुझे तो छोड़ने आया हूँ ना, तो इशा के फर्ज पढ़ लेता हूँ जल्दी से, फिर निकलता हूँ। मुझे इस हालत में छोड़ के जा रहे हो? और मेरी बहन का वलीमा है, मेरा होना लाजमी है उधर। अच्छा सही बात, तो कल जो गायब हुए थे तब होना लाजमी नहीं था? किसी गैर के लिए शादी से जा सकते हो, अपनी बीवी के लिए नहीं। बीमारी और तकलीफ में भी ताने देना बंद नहीं करना तुम। सवाब की नीयत से गया था मैं। बीवी का ख्याल रखने में भी सवाब ही मिलता है, और कम से कम गुनाह तो नहीं होता। अच्छा जबान बंद कर, नीयत बांधने लगा हूं। घर खाली खाली जिया लग रहा। बिल्लो कैंची के चले जाने की वजह से और जोया की जाने की वजह से जल कुकड़ी। मियां जी, जोया को गए आज खैर से चौथा दिन, और बिल्कीस कैंची का डोला कल रात को उठा, तौबा जाने का नाम ही नहीं ले रही। और तुम्हें तो किसी के खुलूस की कदर ही नहीं है, वो हमारी तनाई की वजह से रुकी। मियां जी, जब तक मैं हूँ आप, और जब तक आप हैं मैं, कभी तन्हा हो ही नहीं सकते। और फिर खैर से हमारे घर में बच्चे हैं, घर भरा पड़ा है हमारा, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हमें किसी गैर के आश्रय की जरूरत है भला। और फिर कल अनीला गई है नाराज होके, झूठे मुंह नहीं कहा आपने उसे रुकने के लिए। उन्होंने रुकने वाला कोई काम ही नहीं किया। मियां बीबी शिकायतों के रजिस्टर खोल कर बैठ गए। लिच्चन है लिच्चन। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ पुत्र। अम्मी, मैंने अपनी वापसी की टिकट करा ली है।
कल रात की फ्लाइट है मेरी। पुत्र इतनी जल्दी चला जाएगा? अम्मी जी 8 दिन हो गए, वहाँ की जिंदगी बहुत मसरूफ होती है, 8 दिन निकालना भी बहुत बड़ी बात है। अब्बा जी आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? तुमने राजी होने वाला काम कौन सा किया है? मैं अपनी मजबूरियां आपको कहां तक बताऊं? आप नहीं समझेंगे वहां मेरे कितने खर्चे हैं और किस तरह मैं अपने खर्चे पूरे करता हूं। ठीक ही तो कह रहा है। वैसे पुत्र मैंने एक बड़ी जरूरी बात करनी, अच्छा है तेरे होते होते हो जाए तेरे सामने। मुबारक हो। किस बात की? तुम्हारा निकाह आज? निकाह रात को है और अभी तक हुआ नहीं है। अगर मुबारकबाद देनी ही है तो आके दो। तुम मेरा हौसला आजमाना चाहती हो अफरा? तुम्हें आजमा के देख लिया मैंने साथ। अफसोस और शर्मिंदगी हाथ आए। तुम्हारा हौसला क्या आजमा? तुम मेरी खातिर कुछ देर और इंतजार नहीं कर सकती थी? इंतजार उम्मीद के सहारे होती है सादा। तुमने मुझे इंतजार तो सौंप दिया लेकिन उम्मीद की कोई किरण ही नहीं थी। खैर अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है, अगर हो सके तो एक अच्छे दोस्त की तरह ही मेरी खुशियों में शामिल हो सकते। ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ ना तुम खुश हो। पूरे 18,000 रुपए एक खाने पे रोटी पे इतना खर्चा करने का कोई तुक है? जोया और अग्निस की शादी के बाद पहला खाना है यहाँ पर उसका और उसके ससुराल का। वैसे भी रोज रोज कौन से खर्चे होने हैं ये? फसीया तो 2 दिन में जा रही है अपनी बेटी और अपने शोहर के साथ वापस। नीला का याद है ना, जब तक उसके सासू से जिंदा रहे और नंदे कुमारी, हर हफ्ते ही मेज सजा होता था हमारे घर पे। अनीला नहीं भूलती तुम्हें, हर बात में उसकी मिसाल ले आओ। अनीला मिसाल नहीं, सबक, इबरत। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि बाहर वालों के साथ रिश्ते करने के क्या क्या सुख होते हैं। समझे, आने वाले साथ नहीं चिमड़े रहते, इसीलिए सावधान की बात। वैसे अभी भी टाइम है, अगर आप कहें तो मैं बात करूँ फसीया से। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे बार बार जिच मत करो, तंग मत करो मुझे। आप ये वट्टे शट्टे की बात जेहन से निकाल के कुछ और भी सोच लिया करें। अकलौती बेटी है फसीया की, हमारा सदान बाहर सेटल हो जाएगा तो क्या है, यहाँ पे क्या रखा है? अगर तुम्हें वहां इतने फायदे नजर आ रहे हैं कि समझाना बाहर रहेगा, तुम्हारे सिर पे सवार नहीं होगा, सदान सेटल हो जाएगा, तो शफीक की बेटी को कर ले। हद ही कर देते हैं आप भी। शफीक की बेटी अभी 14-15 साल की, अब मैं अपने बेटे को बिठा बिठा के बूढ़ा कर दूं उसके इंतजार में। वैसे भी शफीक क्यों करेगा अपनी बेटी की शादी अभी है, पहले तो वो अपने बेटे की करेगा ना। बेटे से मेरे जहन में आया कि अपनी शाइना की बात शफीक के कान में डाल दी जा सकती है। हेलो, देखो भाई, जोया को डिनर पे बुलाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी बहनों जैसी है वो, और मेरा उसका कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई नाराजगी भी नहीं है। फिलहाल फिलहाल कल को उसका मियां नखरे दिखाने शुरू कर दे, वो अदाएं दिखानी शुरू कर दे तो कौन बर्दाश्त करता है? लेकिन ये मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, जोया डिनर पे आएगी हमारे घर अपने मियां के साथ, तुम्हारे घर में से कोई नहीं है। अलाउद्दीन ना, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? बताओ ना जरा मुझे, हैं? जोया और उसके ससुराल वालों को डिनर दिया ना उन लोगों ने 3 दिन पहले, बुलाया था हमें? नहीं बुलाया था, फिर हम क्यों बुलाएंगे उनको? लेकिन एक बात, शफीक भाई को बुलाना है लाजमी। क्यों भाई, किस खुशी में? आलू समझा करो, शफीक भाई का बेटा शादी के लायक है, माशाल्लाह हमारी 2-2 बेटियां हैं, ताल्लुकात बना के तो रखने हैं ना। हाँ ठीक कह रही। तुम्हें आज माँ के देख लिया मैंने साधन,
अफसोस और शर्मिंदगी हाथ आए। बात करे ना आप मियाँ जी। आवाज़ को बात तो तूने शुरू करनी थी। नहीं, मैं तो बात करूंगी, मगर मनवाना तो आपने। अब अब्बा जी ने कौन सी बात मनवानी है? और तुझसे हमने पहले कौन सी बात मनवा ली है? भाई जरा जल्दी बात कर ली जी, मैंने बैंक भी जाना है। ये लैला और आसिम आ जाए ना, और रुबीना भी। कहाँ है रुबीना? और मुझे भी अनीला के घर खाने पे जाना है, रात को मेरी फ्लाइट भी है। अगर मेरा यहाँ होना जरूरी नहीं तो मैं जाऊँ? वैसे बहन शफीक, आपको अकेले अनीला के घर खाने पे जाने की हामी नहीं थी भरनी चाहिए, आखिर हम भी तो कुछ लगते ही है ना। लो पागा यार है। या इसके उसको जताया जाके कि भाई तूने मुझको दावत दी है, बाकी सबकी बेइज्जती हो रही है। वो कह रहे आई एम माय फ्लाइट टू ड्राइव को। मैं क्यों बेकार में उलझूं? आप लोग जाने आपके आपस के झगड़े। इसीलिए मैं पाकिस्तान नहीं आता। कह रहे अच्छा नहीं जाता मैं नीला के घर। वैसे भी वहां जाओ तो अलाउद्दीन के उल्टे सीधे सवालों से मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। हमें अब आदत नहीं रही वहां पे लोगों की तफ्तीश सुनने की। वहां हर आदमी अपने काम से काम रखता है, और यहां हर आदमी का यही काम है कि दूसरों की टोह में रखा जाए। उनके घर जाने से तो बेहतर है कि मैं जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं। देख शफीक, तू अगर नहीं जाएगा अनीला के यहाँ, सारी जिंदगी हमें ताने सुनने पड़ेंगे कि हमने नहीं आने दिए। बच्चों की शॉपिंग ज्यादा जरूरी है। वो क्या सोचेंगे कि मैं उनके लिए पाकिस्तान से कुछ नहीं लाया, और ना ही यहाँ से किसी ने उनके लिए कुछ भेजा। सुन ले, बड़ा जर्मन वलैती बना फिरता ना, क्या खालिस पाकिस्तानी ताना देके गया कि हम उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं भेज रहे। खाली हाथ आए हैं भला, तो खाली हाथ जाने में शर्म कैसी है? आप सुन रहे हैं, हम खाली हाथ उसको नहीं जाने देंगे। अपनी माँ के हद की बनाई हुई पक्की लेकर जाएगा। वो किधर है आसिम, बुलाओ उसको। प्लीज आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं पता आज कौन सी केस फाइल खोल देनी है उन्होंने। लैला ऐसा कुछ नहीं है, सब वेट कर रहे हैं, प्लीज आ जाओ ना। तुम उन्हें कह दो ना मेरी तबीयत खराब है, प्लीज। मैं प्लीज कह रहा हूँ ना आपसे। आती हूँ फिर, थोड़ी देर में आ रही हूँ ना। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। आ रही हूँ। आ जाना। उसकी जरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो मेरी भी खराब, मेरी सुनता ही कौन है? और तुम क्या चाहती हो? मैं बीवी से डर डर के जिंदगी गुजारता रहूं इसकी तरह? ओहो, एक दूसरे को ताने देना बंद करो। गल सुनो मेरी आराम नाल। मैंने और जैतून वालों ने एक मशवरा किया, अगर तुम लोग अमल करो तो तुम्हारी बेहतरी है। वो क्या है अब्बा जी? देखो आसिम, 12 साल हो गए तुम्हारी शादी, तुम्हें बे औलाद देख के ना मेरा जी बड़ा कटता है। दुआ भी कर ली, तबा भी कर ली, अब हम कितनी देर और इंतजार करेंगे? बे अल्लाह ने 100 हेले भाने बना रखे हैं, औरत को गोद लेने के, वारिस बनाने के, और संभल करने की देर है। लैला हमारी बहू नहीं, बेटी है। हम उसे खुश देखना चाहते हैं, हम तुम्हें भी खुश देखना चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते किसी का। बस अगर लैला अपना जरा दिल बड़ा करे तो। और आसिम को दूसरी शादी की इजाजत दे। लैला पहले पूरी बात सुन लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इतने सालों में मुझे नहीं पता कि अम्मी जी और अब्बा जी क्या चाहते हैं? सुकून से बैठ के पहले बात सुन लो, देख लो अम्मी जी कहना क्या चाहते हैं।
I know it now, what they are going to say. Devi, तू सोच ले इसका पता। ना अगर ये बेफैज है तो मैं अपने बेटे का भला भी ना सोचूं। क्यों सीखपा हो रही है बिलावजा भाभी? दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, इस्लाम में तो चार जायज हैं। तुम तो चुप करो दो मिनट। और आप सब भी एक दफा मेरी बात सुन लें, मैं और आसिम बहुत खुश हैं। प्लीज आप में से कोई हमारे बारे में इतना परेशान मत हो। तो हम भी कोई तुम दोनों के दुश्मन तो नहीं है, पर साफ नजर आ रहा है कि तुम दोनों खुश नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कौन दूसरी शादी कर रहा है? बैजा कुड़ी बैजा दे बैजा। रब के खेल निराले हैं, किसी को तो झोली भर के देता है और किसी को। अब खैर से रुबीना की चौथी औलाद होने वाली, अगर तुम चारों अपने अपने दिल बड़े करो तो इनको इनके हिस्से की खुशी मिल जाएगी। और देखो जायद के लिए चार बच्चे पालना मुश्किल है, उधर रुबीना की भी मत मार रखी उन तीन शैतानों ने। अगर ये अपना बच्चा दे देंगे तो लैला की गोद भी भर जाएगी और इनके सामने इनकी औलाद भी पल जाएगी। हैं? और आसिम, किसी गैर का बच्चा नहीं, अपने सगे भाई का बच्चा लेकर पालने में तुम्हें तो कोई एतराज नहीं। मियाँ जी, सारे लोग चुप से हो गए, कोई बोला ही नहीं। बोलेंगे बोलेंगे, सब्र कर। मानेंगे ना? मानेंगे, सोचने दे उनको, फैसला करने दे। औलाद का मामला मामूली बात नहीं, अच्छी तरह सोचकर फैसला करेंगे, फिर उन्होंने उस फैसले पर कायम भी रहना है। अगर ना माने ना तो मैंने वही करना है, आसिम की दूसरी शादी। पहली शादी उसने तुझसे पूछ कर की थी, जो दूसरी करेगा वो डरता है। लैला कूद के देखती है, डर जाता है, हिम्मत नहीं है उसमें ना। फिर ये तो लैला की ज्यादती होगी ना, ना बच्चा गोद ले या फिर इजाजत दे आसिम को दूसरी शादी की। जायद गलत नहीं कहता, शरा में चार शादियों की इजाजत है। भाई तू जायद की दूसरी शादी करा ले, मुझे खबरें सुनने हैं। लैला अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने महज एक तजवीज दी है, कि एक सजेशन दी है, और वो सब भी नेक नियति और मोहब्बत में। अब उसे मानना ना मानना तो हमारे ऊपर है ना, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है। हमें वही करना है जो हम करना चाहेंगे। क्या हुआ? देखो तुम्हें जो डर महसूस हो रहा था वो निकल गया है ना, अब बाकी की टेंशन भी अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैं अब्बा जी से खुद बात कर लूंगा। प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, नॉर्मल बिहेव करना। मैं अब्बा जी को ऑफिस से आके समझाऊंगा कि ये मुमकिन नहीं। ओके क्या उनकी फरमाइश पे अपने बच्चे बांट दे? हैं? क्या दूसरों को देने के लिए पैदा किए थे? और अब्बा ने कितने सुथरे तरीके से मुझे बेइज्जत कर दिया ये कहकर कि मैं अपने चार बच्चे नहीं पाल सकता। तो गलत क्या कह रहे हैं, अभी भी बाकी तीन का खर्चा तो सजाद भाई जान ही उठाते हैं। और तो कौन सा अपने पल्ले से खिला रहे हैं, वो अब्बा की मेहनत से जोड़ा हुआ कारोबार है, उसमें मेरा और मेरे बच्चों का कोई हक नहीं है। अच्छा, इस तरह तो खालू जी के कारोबार पे सब भाइयों का बराबर का हक हुआ, मगर ना आसिम कुछ लेता है ना शफीक भाई को कोई हिस्सा जाता।
क्योंकि सब जानते हैं कि सारी मेहनत सजाद भाई करते हैं। तुम क्या करते हो इस कारोबार के लिए? तू क्या चाहती है, है? क्या चाहती है? बात मान लूं मैं उनकी, दे दूं अपने बच्चे उनको? ओ, कैसी माँ है तू? इतना बड़ा हौसला आया कैसे तेरे पास ये सोचने के लिए? क्योंकि हम आज तक हमेशा लेते ही आए हैं जाहिर, कभी हक से कभी बगैर हक के। पहली बार मौका मिला है कुछ वापस देने का। ज्यादा इसार और कुर्बानी की देवी बनने की जरूरत नहीं है। इसार नहीं दिखा रही, ना ही कोई कुर्बानी दे रही। इस सब में मेरा मतलब भी है। मेरा बच्चा ऐश और आराम से पलेगा। हर दफा लैला से कुछ लेते हो जब मेरी नजरें झुकती है ना, अब नजरें उठाकर बात करूंगी। उसकी उतरन पहनने की शर्मिंदगी दूर हो जाए जब अपना बच्चा उसकी गोद में रखूंगी। एहसान जताकर अगर ये अपना बच्चा भेजेंगे तो लैला की गोद भी भर जाएगी और इनके सामने इनकी औलाद भी पल जाएगी। एक दुआ मेरी बहू लैला के लिए, अल्लाह उसकी गोद भर दे। बहुत इंतजार है। जो जो बे औलाद है तमाम बे औलादों को एक सारे फरमाबरदार औलाद नसीब करे। आमीन आमीन। इन सब की क्या जरूरत थी भाभी? भाईजान ये तो मोहब्बत की वजह से दिए जाते हैं, तोहफे जरूरत के तहत थोड़ी दिए जाते हैं। वैसे भी आपके बच्चे दूर हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए तो जाहिद और बीना के बच्चों जैसे ही हैं ना। बहुत खुश होंगे वो ये देखकर कि पाकिस्तान में किसी ने उनको याद किया। आप उनको मिलाएंगे या लेकर आएंगे रिश्तेदारों से तो और भी ज्यादा खुश होंगे भाई। आप ना उनको खानदान से दूर ना करें, आपने तो कल को रिश्ते भी करने हैं ना उनके यहाँ पर। वैसे यही करने हैं कि ये मेरे सोचने का काम नहीं है भाभी, उनके सोचने का काम है, जहाँ वो करना चाहे शादी। तो भाई बहुत गरीजों वाली बातें नहीं कर रहे, मेरा मतलब है कि आपको तो बल्कि ज्यादा सोचना समझना चाहिए। नहीं आपने तो एक ही बहू लेकर आनी है, तो आपको तो ऐसी लानी चाहिए ना जो आपकी कोई खिदमत करे, कोई अपनाई है तो आपके साथ आप लोगों का ख्याल रखे। सही कह रही हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा आसिम भाई और लैला ही पाले। तीन तीन गोल खिला चुकी है ना वो आलू, अब जो चौथा गोल खिला रही है ना वो लैला के गुलशन में सजाना चाहती है। पागल तो नहीं हो गई? बस ये कह रहे थे कि साड़ी मत पहना करो, इसमें ज्यादा बड़ी लगूंगी। बाप के गले मिलना पड़ता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं आता था ना। सोचने की क्या बात है, मेरा जवाब आप इनकार में ही समझें। मैं
मैं इस तजवीज के हक में नहीं हूँ। जाहिद इतना दिल छोटा ना कर, भाई है तेरा आसिम। भाई के लिए जरूरत पड़ी तो जान भी हाजिर है, लेकिन औलाद नहीं अम्मी जी। वैसे भी शरा में ये जायज नहीं है, और ले पालक बच्चे की कोई हैसियत भी नहीं होती। ओए मैं सब कुछ तुझसे बहुत ज्यादा समझता हूँ। सगा चचा है, एक खून है, कोई गैर नहीं है। और वैसे भी जाहिद, आसिम ने और सज्जाद ने तो तेरे औलाद के बारे में कोई मेरे तेरे का हिसाब ही नहीं किया। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस देने या उनका कुछ खर्चा उठा लेने से ये मेरे बच्चों पर से मेरा हक खत्म नहीं कर सकते। और अगर इनको इस मदद का बदला इस तरह से लेना है तो मेहरबानी करके बेशक मुझ पर ये एहसान ना करें। जाहिद इस बहस को यहीं पे खत्म कर दो ना। मैंने तुम पे कभी एहसान किया और ना ही सज्जाद भाई ने। तुम्हारे बच्चे वैसे भी हमारे अपने ही हैं, और अब्बा जी जाहिद के बच्चों को अपना कहने के लिए मुझे उनको गोद लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जाहिद तुम भी किसी से मत उलझो इस मौजू पे। मैं वैसे भी इस बात के हक में नहीं हूँ। चलो ना, वो राजी ना ये राजी, बात खत्म हुई। लेकिन मुझे अब्बा जी और अम्मी जी का यह फैसला दिल से कबूल है। मैं खुशी खुशी रुबीना और जाहिद के बच्चे की माँ बनना चाहूंगी। लैला देखो आसिम, हम खुद को भी और दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं जब ये कहते हैं कि हम खुश हैं। ना तो हम खुश हैं और ना ही मुकम्मल। और अगर एक बच्चे के आने से हमारी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है तो व्हाई नॉट आसिम। शाबाश, क्यों नहीं रहे। पहली बार सही गल की तीन है। देखो ना, पढ़ी लिखी है, तालीम बड़ी चीज है, बंदा सच सच बोल रहा है। अच्छा तो आसिम और मैं अनपढ़ है। लैला आप शायद जज्बात में आके ये बात कर रही हो। नहीं आसिम, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये बात मैंने कल से लेना शुरू किया था तुम बिल्कुल गलत हो। मैं तो बड़े अरसे से सोच रही हूँ कि इट्स अबाउट टाइम कि हमें एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और मेरी जान, अगर करना ही है तो अपनों का क्यों नहीं। हाँ लेकिन शायद आपने सुना नहीं, जाहिद ऐसा नहीं चाहता और उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। या दैट आई एग्री विद, लेकिन मैं ये चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा आसिम भाई और लैला ही पाले। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली है? अगर मैं ये फैसला नहीं कर सकती हूँ तो कोई भी नहीं कर सकती, तुम भी। चलो चुप करो सारे, माँ से आगे और कोई सगा नहीं होता। माँ देने को तैयार है, माँ लेने को तैयार है, बाकी औरों का क्या काम है भला है? तो ख्याल था कि लड़के मान जाएंगे, दनानियां अड़ जाएंगी, मगर यहाँ तो सब उल्टा हुआ। मेरी तो समझ से बाहर है भाई। चाची जी, लैला का बच्चा लेने पर इसरार तो समझ में आता ही है ना। कैसे? देखिए ना, लैला को अंदर से डर तो होना है ना कि इन्होंने आसिम पर डालना है दबाव और उसने कर लेनी है दूसरी शादी। तो उसने सोचा कि दूसरी शादी करने से बेहतर नहीं है बच्चा लेके पाल ले ताकि आसिम की दूसरी शादी ना हो। आसिम को देखा जब दूसरी शादी की बात हुई तो कैसा रंग उड़ गया था उसका, जान निकल गई थी लैला के खौफ से। आपने देखा था जब जाहिद ने चार शादियों के बाद की तो कैसे उसको डांटा आसिम ने, उसने कहा कि लैला से इसको ही ना कुट पड़ जाए। चलो जी, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, आप सब खैर से हो। इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? तो ठीक है ना, तुम मत अपनाना उस बच्चे को। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे भाई की औलाद है, उसके दूसरे बच्चों की तरह वो भी मुझे बहुत अजीज होगा। बात उस बच्चे की नहीं है, जिस तरह हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी बात। ऐसे मामलात में बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं,
मामलात खराब होते हैं। रुबीना बात बात पे उस बच्चे पे अपना हक जताएगी, आपकी छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करके शोर मचाएगी। तुम ये फसाद मोल ले रहे हो। तुमने पहले से सोच लिया कि मैं लाजमी को कोताही करूंगी? रुबीना से तो अच्छा बच्चा पाल सकती हूँ, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, हम किसी और का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं जिनके पेरेंट्स को ना हम जानते होंगे ना वो हमें जानते होंगे। कम से कम इस तरह वो आके अपने बच्चे पे हक तो नहीं जता सकेंगे ना। और उस बच्चे के साथ ये अच्छा होगा? ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मुझे भी मालूम है कि तुम्हारे घर वाले कभी भी किसी गैर की औलाद को दिल से नहीं अपनाएंगे। उस बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होगी। और देखो आसिम, ये तजवीज अम्मी जी और अब्बा जी ने दी है ना, हमने तो उन्हें नहीं कहा था, उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। और हम अम्मा जी और अब्बा जी से बात कह देंगे कि पहले रुबीना और जाहिर से बात की गारंटी ले लें कि वो अपना बच्चा हमसे कभी वापस नहीं लेंगे, फिर ही हम कुछ करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इस बात की कोई गारंटी दी जा सकती है या फिर ली जा सकती है। एनीवे, मेरा काम था आपको समझाना, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा फोर्स नहीं करोगे तो मेरे पे यकीन तो कर सकते हो। लुक एट मी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, मैं बहुत अच्छी माँ बनूंगी आज, ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने दिल से वसवसे निकाल दो और तुम देखना, हे, ये बच्चा मेरे और तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा चेंज बनकर आएगा। Thank God, ये आखिरी डिनर भी हो गया। तो तंग आ गया था रोज कहीं ना कहीं लंच या डिनर करके। क्या हुआ, थक गई? सर में दर्द हो रहा होगा। एक तो सब तैयार के घर बोलते भी इस कदर हैं, एक शोर मचा हुआ था। सिर्फ बोलते ही नहीं है, बेमहल और बेमौके भी बोलते हैं। कुछ कहा किसी ने? बताओ मुझे, वरना अभी के अभी कॉल करके नहीं पूछूंगा कैसा क्या हुआ वहां। नहीं प्लीज, नहीं पूछें किसी से कुछ भी। तो फिर बताओ। बस ये कह रहे थे कि साड़ी मत पहना करो, इसमें ज्यादा बड़ी लगूंगी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये देख, 50 लोग जख्मी हो गए यार। अल्लाह हू अकबर। वो आजकल तो यही चल रहा है, अल्लाह रहम फरमाए सब पे, सबकी जानों की हिफाजत फरमाए। बस यार आसिम, यार एक बात तो सुनो। हाँ बोलो। यार ये तुम लैला भाभी को समझाते क्यों नहीं हो? तुम रुबीना को क्यों नहीं समझाते हो? जब तक वो बच्चा देने के लिए राजी नहीं होगी तो लैला उसे जबरदस्ती तो नहीं ले सकती ना यार। यार पता नहीं क्या हो गया आजकल उसको, अजीब हटधर्म बन गई है, अड़के रह गई है अपनी बात पे। जब रुबीना आपके कहने में नहीं है तो तुम लैला से उम्मीद कैसे रख सकते हो कि वो मेरी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी है? वो तुम मनवाओगे तो मानेगी ना। और ठीक है चलो, मैं जरा सख्ती दिखा रहा हूँ आजकल क्योंकि रुबीना की तबीयत ठीक नहीं है, वरना बड़ी अच्छी तरह आता है मुझे बीवियों को सीधा करना। और वैसे भी आजकल जरा हालात ऐसे हैं कि यहाँ मुंह से बात निकली नहीं है उधर उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, और लेने के देने ना पड़ जाए, समझा करो यार। तो फिर जो हो रहा है वो होने दो। ओ मगर बात को तो समझो तुम। जाहिद तुम ही कहा करते हो ना कि अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है।
हो सकता है इस काम में भी कोई बेहतरी होगी। इंडियन ड्रामे देख देख के ना तुम्हारी शक्ल बिल्कुल इंडियन सासों जैसी हो गई है। नहीं ईमान से एक्सप्रेशन फिक्स हो गया तुम्हारे चेहरे पे। मुझे अभी इसी वक्त अब्बा जी के घर जाना है। अब्बा जी के घर कोई नहीं जाएगा जब तक वहाँ से कोई मनाने नहीं आएगा। बोलू तुम अपने रट पे लगे रहो, तुम्हें समझ नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा पता है, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा प्लान है मुझे अपने मैके से ना डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो अब्बा चार दिन नहीं गई तो ये हो गया, मतलब खैर खबर तो पता होना चाहिए ना, जाऊंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन से नए गुल खिला रही है मेरी भाभियां। अब किसने गुल खिलाया है जी? रुबीना। ना, रुबीना गुल नहीं खिला सकती, वो अपनी बेजार तबीयत से गुलशनों के गुलशन बर्बाद कर सकती है, खिला नहीं सकती। तीन 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 गुल खिला चुकी है ना वो आलू, अब जो चौथा गुल खिला रही है ना वो लैला के गुलशन में सजाना चाहती है, पागल तो नहीं हो गई? मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। बाप सबने फैसला कर ही लिया है और वो रुबीना भी जिद पे अड़ी हुई है तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन अब्बा जी मेरी एक शर्त है। जाहिद तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं इस बच्चे को लीगल तरीके से अडॉप्ट करूंगा, यहाँ तक के सारे कानूनी तकाजे भी पूरे करूंगा, यहाँ तक के मेरे एसेट्स में भी उसका हिस्सा। तुमने मुझे इतना घटिया समझा हुआ है? मैं अपने बच्चे की सौदेबाजी करूंगा, तुम्हारी जायदाद नाम लिखवाऊंगा उसके। ए भाई, ए, ए, राम नाल राम भैया भैया, मुझे ये बता तेरी शरायत क्या है? अब्बा जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी औलादों में से कोई एक हाफिज़े कुरान हो। अब वो तीन तो चले गए रुबीना पे कूड़ मगज, और वो बड़ा वो तीन साल से नूरानी कायदे पर ही अटका हुआ है। अब जी आसिम को मुझसे वादा करना होगा कि वो मेरे बच्चे को कुरान हिफ्ज कराएगा। मां सदके कराएगा कराएगा, क्यों नहीं, क्यों आसिम? हाँ जी मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं दीनी तालीम के साथ साथ उसकी स्कूलिंग पर भी उतना ही ध्यान दूंगा। मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसे किसी मदरसे में डाल के भूल जाऊंगा। भाई मेरी गल सुन जाहिद, कुरान हिफ्ज करना या बच्चे को हिफ्ज कराना बड़े नसीब बड़े साजद की बात है पुत्र है, मगर अपने अगले पिछले गुनाह बख्शवाने के लिए हिफ्ज कराना। ओ भाजी मैंने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए? हद करते हैं आप। और जवानी सारे अन्नी पांदे ने, फिर बच्चों को मौलवी बना देते हैं, कुरान हिफ्ज करा देते हैं ताकि उनके सदके अपने अगले पिछले गुनाह बख्शवा ली जाए। कई गल सुन ले, देन च पा ले, हर बंदे ने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है पुत्र। ठीक कह रहा है कि इसने कल्ले ने नहीं बख्शा जाना, कुरान हिफ्ज कराने की वजह से अगली पिछली सात नस्लें बख्शी जाती हैं। आपको तो शुक्र करना चाहिए कि आपकी मंजिल आसान हो जाएगी इसकी वजह से। इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ। कितनी प्यारी बात की है, हैं जीता है। मेरे वाल भी आना, सोना ही लग गया मां सच के, अल्लाह खैर करे। अपने सच्चे हो जो तेरे गुजर जाएंगे दिन ये चार, रिश्तों में खुशी मिल जाए नहीं चाहिए कोई महल में ना।
मुर्ग मुसल्लम कोलो अपनी सुक्की रोटी चंगी खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी।